वेलकम स्टूडेंट्स, फॉलो की वीडियो जो हमने अभी बनाई थी उसका कंटिन्यूएशन हम आगे कर रहे हैं और भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं। कई डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने देख लिए थे और एक प्रोग्राम भी मैंने आपको दिया था, वो आपने उम्मीदें कर लिया होगा। ठीक है, तो आते हैं हम अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये भी मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको एक और प्रोग्राम पे। यही प्रोग्राम एक और तरह से बनाने की बात करेंगे जो इवन फ्रॉम 1 to 20 होगा। देखो, वो तो मैंने 2 के इंक्रीमेंट के साथ शुरू किया, लेकिन अगर कोई ये कहे हमसे कि कंडीशन अप्लाई इवन नंबर को चेक करने की कौन सी कंडीशन होती है, इवन नंबर को चेक करने की कंडीशन होती है 2 से डिवाइड अगर किया जाए और रिमाइंडर अगर 0 आए तो पता है क्या होता है, वो नंबर इवन होता है। बस वही चेक करने का मैंने यहां पे बनाया, 1 से 20 तक गया और एक एक का इंक्रीमेंट लगाया और एक एक के इंक्रीमेंट के बाद क्या करा है, हर नंबर को चेक किया वेदर दैट इज इवन और नॉट। इफ इट इज इवन दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। देखो, आई मॉड्यूलस 2 मतलब 2 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आया। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो ये प्रिंट करेगा आपको आई की वैल्यू। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा आई की वैल्यू। इट मीन्स के ये सारे इवन नंबर प्रिंट करेगा। देखो, ये भी एक अच्छा तरीका है। देखो, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन एक पता चलता है। देखो, प्रोग्राम्स तो मैंने दोनों एक ही चीज के आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं, लेकिन दोनों में जो फर्क देखने को मिलता है वो है क्या, आउटपुट दोनों का सेम है बट दोनों के लूप के चलने के तरीके में फर्क है। वहां पे 2-2 के इंक्रीमेंट के साथ आपने 1 to 20 यानी कि वहां राउंड जो चले थे वो चले थे 10 राउंड क्योंकि 2-2 का इंक्रीमेंट था। लेकिन इस वाले प्रोग्राम में हम अगर देखें तो एक तो टेस्टिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा है वो और तब चेक करने के बाद प्रिंट कर रहा है। दूसरी बात, इसके राउंड भी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि हम कहेंगे 1 से 20 तक 20 बार ये चलेगा, 20 टाइम्स चलेगा ये। ठीक है ना, तो इस तरह से खैर डिसाइड हम कर लेते हैं कि कौन सा वाला अच्छा है, उसको फिर बना लेते हैं। बट दोनों प्रोग्राम्स अपने आप में आउटपुट सेम देते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रोग्राम पे, टेबल ऑफ एन। अगर कोई आपसे कहे कि इट एन का टेबल प्रिंट करो स्क्रीन पे, तो कैसे प्रिंट करेंगे? मैंने अभी कहा टेबल ऑफ एन बनाना है स्क्रीन पे, तो अगर एन का टेबल की बात करें तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि 2 का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो 2 का टेबल तो अभी आपने जब बनाया वो था, 2 का टेबल ही तो था क्योंकि 2, 4, 6, 8 जो इवन नंबर्स थे 1 to 20 वो सारे 2 का टेबल बन गए। लेकिन तरीका ये बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। अगर मैं कहूं कि 2 का टेबल बनाया जाए तो हमें करना क्या होगा, आप खुद बना के देखें, नहीं बनेगा मेरे पास कमेंट में लिखें। उसमें क्या रहेगा कि 1 to 20 तक हम लूप चलाएंगे। किसी बच्चे को अगर कोई सिखाएं तो कि कोई टेबल लिखना है तुझे, तो उससे ये कहा जाता है 1 to 20 तक नंबर, 1 to 10 तक नंबर लिख ले और उसके बाद उसमें जिसका टेबल बनाना हो उसकी मल्टीप्लाई कर दे। जब वो मल्टीप्लाई करता है तो एक टेबल जो सामने आता है वो उस नंबर का होता है जिसका डिवाइड। मैं कहूंगा कि 2 का टेबल अगर लिखना है तो 1 to 10 नंबर प्रिंट करो और उनके साथ मल्टीप्लाई करो 2 की, तो वो 2 का टेबल बन जाएगा, आप खुद बना के देखेंगे। अब 2 से मैं क्या करता हूं कि 2 को अगर चेंज करने लगूं तो वो एन का टेबल हो जाएगा। एन अगर मैं यूजर से मांगने लगूं तो उसको उसका डिजायर टेबल मिलेगा। देखते कैसे, मैंने लिखा है यहां पे टेबल ऑफ 2 मतलब टेबल ऑफ एन मतलब एंटर द नंबर। एक यूजर से तो आप नंबर लेंगे, नंबर लेने के बाद में 1 to 10 उसे चलाएंगे लूप को और 1 to 10 में एन की गुणा करेंगे। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, देखो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, आई इंटू एन मीन्स आई 1 तो एन की गुणा एन कट 1, एन इंटू 1, एन इंटू 2, एन इंटू 3 यानी कि टेबल ऑफ एन आपकी स्क्रीन पे होगा। देख लेते हैं जरा, मैंने 5 का टेबल लिखना है, 5 दबाया और देखें आपकी स्क्रीन पे इस समय पे क्या दिख रहा है, 5 का टेबल, 5 1 जब 5 5। अगर कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि इनको ना मल्टीप्लायर फॉर्म में दिखाया जाए तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहां 3 बार परसेंटेज डी जो लगाए हैं वो देखो, पहला तो होगा एन के लिए, दूसरा होगा आई के लिए और तीसरा होगा आई इंटू एन के लिए, एन कॉमा आई कॉमा आई इंटू एन। आप जरा देखें क्या होगा, एक बेहतरीन फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे आने वाला है। मैंने 5, 10 का लिखा, मान लो 10 का टेबल, क्या बात है, कैसा लग रहा है, 1 से लेके 10 तक के मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 10 के साथ, तो 10 का टेबल आपकी स्क्रीन पे हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा।
अब अगले प्रोग्राम की बात करेंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि सम ऑफ 1 to 10 प्रिंट करें, अगर मेरी बातें सब समझ में आई हो तो मेरे ख्याल में आप बना लेंगे, लेकिन मैं उसका डेमोंस्ट्रेशन देने जा रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए 1 से 10 का सम, तो आप एक काम करें कि 10 अपने दोस्तों को एक एक नंबर दे दें। एक दोस्त को 1 नंबर दिया, दूसरे दोस्त को 2 नंबर दिया, तीसरे को 3 दिया, 4, 5, 6, 7, 8, अपने 10 फ्रेंड्स को एक एक नंबर दे दिया जो 1 से लेकर 10 तक का है। उससे कहा कि मेरा एक बॉक्स रखा हुआ है, उसमें ना जितना जिसका नंबर है वो अपना नंबर उसमें डाल दे। जिस समय पे बॉक्स को खोला जाएगा और 10 पीपल जहां पे आ जाएंगे, तो 10 के 10 नंबरों का सम जो होगा वो उस बॉक्स के अंदर होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। इस बात को जो मैंने अभी 10 बॉक्स का जो 10 नंबरों का जो कंटेनर बात करी, इसको अगर हम अपने प्रोग्राम से रिलेट करें तो बड़े आराम से रिलेटेड होगा। मैं एक सम वेरिएबल ले लेता हूं, उस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूं, इनिशियलाइज विद 0 कर देता हूं। 0 इनिशियलाइज कर दिया तो क्या होगा, वो बॉक्स खाली हो गया, जैसे कि अभी हमने अपने दोस्तों के लिए रखा था। उस सम के अंदर सबसे पहले मैंने 1 डाला, यानी कि आई की जो वैल्यू है लूप चलाने पे पहले 1 होगी। 1 को मैंने सम के अंदर डाला, सम को फिर जो 1 हो गया, फिर मैंने 2 डाला, फिर 3। आई की वैल्यू मैं उसमें अगर ऐड करता जाऊं तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू उसका सम उसमें आ जाएगा। जरा देखें, प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोग्राम हाईलाइट हो रहा है वो 1 to 10 है। तो 1 to 10 का जो सम है वो कैसे देखें, देखो सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 करी, क्यों 0 करी इसकी भी बात कर लेंगे। चलो उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 मैंने लूप चला दिया, ये आपको समझ आ ही चुका है। सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया, सम में आई की वैल्यू को ऐड करना शुरू किया। आउटपुट में क्या होगा, सम की वैल्यू आएगी। पहले मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूं, फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। सम इज इक्वल टू 59। 1 से 10 तक की सम, 1 से लेकर 10 तक का अगर सम निकालेंगे तो 100% आपका 55 आएगा। चाहे आर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकालें, चाहे 1 से लेकर 10 तक की संख्या अपने सामने रखें फिर निकालें। होगा क्या, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हो कैसे रहा है। मैंने यहां से लूप में से एक ब्रेस हटाया और फिर इसके बाद क्या किया, एक ब्रेस यहां पे, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के इनसाइड कर दिया। अब जरा सम पे देखें तो क्या होगा, हर स्टेटमेंट हर स्टेप की वैल्यू ये शो करेगा। देखें सम में जो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लिखा था मैंने, तो 0 में 1 जोड़ा और स्क्रीन पे देखेंगे आप क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है 0+1 मतलब 1, और 1 के बाद में वो 1 में जोड़ा 2 तो बना 3, 3 में जोड़ा 3 तो बना 6, और 6 में जोड़ा 4 तो बना 10। ऐसे करके ऐड होता रहा और हर स्टेप का आउटपुट आपकी स्क्रीन पे इस समय पे है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक चेंज करके दिखाता हूं, उससे आपको एक चीज समझ में आएगी। वो क्या, सम इक्वल टू जो 0 लिखा था यहां से मैंने हटा दिया। अब जरा आउटपुट देखिए क्या होगा, देख रहे हैं, स्टार्टिंग सम की वैल्यू 1 हो गई, गार्बेज ले ली उसने, और 1 से क्या हुआ, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो हमारा आउटपुट बिगड़ गया। मतलब गार्बेज वैल्यू आ जाती है जिसकी वजह से हमारा आउटपुट खराब हो जाता है। मैं जो यहां पे चेंज करके आपको दिखा रहा था अभी, उसमें क्या था कि सम इक्वल टू 0 यहां था, वो मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद क्या हुआ कि आउटपुट इसका दोबारा से देखें 2, मतलब सम में कहीं से 1 आ गया जो गार्बेज है, और जो जुड़ता चला गया हमारी अगली वैल्यूज में, आउटपुट जो 55 आता वो 56 आने लगा। गार्बेज में कुछ और भी वैल्यू आ सकती है और आपका आउटपुट बिगड़ सकता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि सम तो आपने बना लिया, प्रोडक्ट ऑफ 1 to 10 बना के दिखाएं। चलो मैं ही आपसे कहता हूं, आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और बना के देखें इस प्रोग्राम को। आपने जरूर बना लिया होगा, बस जरा सा चेंज है जो मैं आपकी स्क्रीन पे देने जा रहा हूं। स्क्रीन पे देखें क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू LD, यहां पे जो लिखा है ना, LD क्यों लिखा है, चलो अभी बात करेंगे। उससे पहले एक काम करो, 1 to 10 लूप चलाया बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी चलाया था। यहां पे P एक वेरिएबल लिया है सम की जगह, वहां सम को 0 क्यों किया था, क्योंकि पुरानी गार्बेज वैल्यू में ऐड ना हो जाए। यहां पे P को 1 क्यों किया, अगर मैं P को 0 करूंगा तो पता है क्या होगा, एवरीथिंग विल बिकम 0, क्यों, 0 का किसी में मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाता है। हमें 0 नहीं बनाना, हमें आउटपुट सही चाहिए, और 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी में करें तो डज नॉट इफेक्ट, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यह है
कि p की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की और p इक्वल टू p इंटू आई, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस आई की जगह यहां पे हमने चेंज किया p इक्वल टू p इंटू आई। अब क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू एल डी, एल डी यहां पे लॉन्ग लिखा है, मैं जरा सा चेंज करके इंटी करना चाहता हूं पहले, मैं यहां पे जरा सा चेंज करता हूं, लॉन्ग की जगह इंट लगाता हूं फिर से, और लॉन्ग की जगह जब इंट लगाता हूं तो प्रोग्राम में क्या होगा आउटपुट देखिए फिर बात करेंगे। जो आउटपुट आ रहा है ये ठीक आ रहा है। अगर मैं बड़ी संख्या कोई लेता हूं यहां तक तो ठीक आया ये, अगर मेरी कोई बड़ी संख्या होती 10 की जगह मैं 100 लेता या 20 लेता तो ये आउटपुट गलत हो सकता था। देखो गलत माइनस में आ रहा है, माइनस का कोई रिजल्ट थोड़ी होता है, इसका मतलब यह है कि गलत क्यों हुआ, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि इंटीजर एक उस रेंज तक सपोर्ट करता है, उस रेंज पे आके ये फेल हो जाता है और फेल होने के बाद मुझे क्या करना होता है लॉन्ग लॉन्ग इंट लगाओ या लॉन्ग लगा के छोड़ दो तब भी ये चलेगा। लॉन्ग के लिए एल डी लगाया जाता है, जहां डी लगाते हैं परसेंटेज वहां लगाते हैं परसेंटेज एल डी। अभी अच्छा ये अभी भी ऐसा है, लॉन्ग के बाद फिर तो हमें इसको फ्लोट करना पड़ता है, 20 तक का ये सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसकी जो रेंज है वहां फेल हो जाता है ये। मेरे को यहां पे 10 15 भी रख लोगे तो आ जाएगा, देखो 15 इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर की रेंज से आउट हो रहा था इसलिए ये हमने अब ठीक कर दिया। क्या हुआ लॉन्ग लिख के 15 तक चला, अगर उससे भी ज्यादा रेंज चली जाती है तो हम यहां पे डबल या फिर फ्लोट लगा लेते हैं और हमारा प्रोग्राम एकदम एक्यूरेट हो जाता है। अब ये प्रोग्राम जो तुमने 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट देखा या 15 तक का प्रोडक्ट देखा, इसको देखते हुए एक चीज बनाने के लिए मैं आपसे कहूंगा, अगर कोई कहे कि 15 का फैक्टोरियल क्या है तो यही होगा कि नहीं होगा, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर दैट नंबर तक का फैक्टोरियल, दैट नंबर तक का प्रोडक्ट। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कहूं तो होगा, तो अगर मैं यूजर से मांगने लगूं तो देखो अगर मैं यूजर से मांगने लगूं n, तो n का फैक्टोरियल निकालने की बात करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे बस जरा सा चेंज किया है, n मैंने यूजर से मांगना है, एंटर द नंबर और मांगने के बाद क्या किया 1 टू 10 ना चला के 1 टू n चला दिया और फैक्टोरियल वही प्रोडक्ट जो होगा वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल 120 एकदम एक्यूरेट, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना आपके लिए कितना आसान हो गया। अब एक असाइनमेंट वीडियो के एंड में हम आपको दे रहे हैं जो आप बना के देखें। अब आपकी स्क्रीन पे एक असाइनमेंट आ रहा है, असाइनमेंट फॉर यू, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है जिसको आप खुद बना के देखें, ना बने तो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। असाइनमेंट में लिखा है WAP2 चेक वेदर एन इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर होता है जो एक से और खुद से डिवाइड होता हो और किसी से डिवाइड ना होता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। बस ये सोच के थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं, इसमें क्या करना है आपको लूप चलाना है 1 to n और 1 to n चलाना है और जिस जिस नंबर से डिवाइड होता जाए हमें चेक करना है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है और डिवाइड नहीं होता तो वो फिर प्राइम होता है, हमें बस यही चेक करना है, ठीक है। ये था सारा लूप्स के बारे में, लूप भी क्यों बल्कि फॉर लूप के बारे में। अगले वीडियो में हम हालांकि बात करेंगे आपसे व्हाइल लूप के बारे में।